हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आप लोगों को आपके ही इस चैनल डिजिटल राजेश गुप्ता यूट्यूब हिंदी चैनल पर, इस चैनल को यहां सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल या पीसी पर नोटिफिकेशन पहुँचता रहे सबसे पहले। और साथ ही साथ ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर लीजिए एनी टाइम हमारे साथ अपडेट रहने के लिए। हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल पे। गूगल पे को कैसे मोबाइल में सेटअप करना है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो इस एप्लीकेशन से आप किसी के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं इस गूगल पे के जरिए। आपको ये चीज़ सीखना है, जानना है, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए विदाउट स्किप। और इस एप्लीकेशन को पहली बार सेटअप करेंगे और पहली बार किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ा बहुत 10 रुपया 15 रुपया कुछ भी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे पहली बार, तो फर्स्ट टाइम आपको 51 रुपये आपको इसके अंदर गिफ्ट भी मिलेगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि इस गूगल पे एप्लीकेशन को मोबाइल में कैसे सेटअप करना है, अपने बैंक अकाउंट से कैसे अटैच करना है ना, सारा कुछ डिटेल में हम समझ लेते हैं। इसको सेटअप करने के लिए पहले आपको चीज़ें क्या क्या होना चाहिए। अकाउंट नंबर, जिस जो अकाउंट नंबर को आप अटैच करेंगे इसके साथ, उस अकाउंट में फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए और वो मोबाइल में आपके लगा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट प्ले स्टोर पे आ जाएगा और इस तरह से आप इंस्टॉल कर लेंगे। उस लिंक पर क्लिक करके ही इंस्टॉल कीजिएगा, नहीं तो आपको प्ले स्टोर में आपको फेक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, तो आपको परेशानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा और वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, हिंदी करना होगा हिंदी कर लीजिएगा, इंग्लिश करना होगा इंग्लिश कर लीजिएगा, जो भी आप अदर स्टेट से होंगे तो कोई भी भाषा यहाँ पर चूज कर सकते हैं, सब मराठी तेलुगु तमिल सब भाषा यहाँ पर अवेलेबल है, जो भाषा आपको करना है कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करते जाना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा तो वही मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जो आपके बैंक से अटैच है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे, अलाउ अलाउ करते जाएंगे, जो जो पूछेगा यहाँ अलाउ अलाउ आपको करते जाना है। इसके बाद ऑटोमेटिक आपका ईमेल आईडी आपका फ़ोन नंबर एक्टिवेट कर लेगा आपका ऑटोमेटिक, और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना यहाँ ओटीपी वेरीफाई ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आपको क्रिएट पिन करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना क्रिएट पिन कर लेंगे। जो आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे पिन मांगेगा, जैसे एटीएम कार्ड का पिन होता है ना, उसी तरह का आपको 4 अंक का पिन बनाना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, या स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन लॉक भी कर सकते हैं, है ना। तो बेहतर रहेगा क्रिएट पिन कर लीजिएगा, गूगल पिन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। हमने यहाँ पिन सेट कर लिया और पिन सेट करने के बाद यहाँ पर आपको बताएगा कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, यहाँ पर बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। इसके बाद एड बैंक अकाउंट, और इसके बाद यहाँ अलाउ अलाउ पर क्लिक करते जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा और अकाउंट पे रेफरल बोनस इसमें मिलता है, मतलब इसमें जिसको रेफरल करेंगे आपको अकाउंट पे बोनस मिलता है। और यहाँ पर चेक बैलेंस का ऑप्शन है, ऑल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन रहेगा, ऐड बैंक अकाउंट यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर अपना बैंक चूज कर लेंगे जो आपका बैंक है, ठीक है। यहाँ सेंडिंग एसएमएस वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ अलाउ अलाउ करते जाएंगे। ये देखिए एसएमएस वेरिफिकेशन हो गया, फिर मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया, फिर अपना ये फिंडिंग बैंक अकाउंट भी आ जाएगा। देखिए एक ऑटोमेटिक यहाँ हमारा अकाउंट नंबर आ गया, स्टेट बैंक में ये नंबर, इस फोन नंबर से हमारा स्टेट बैंक का अकाउंट है और लास्ट में ये वाला अकाउंट नंबर है ना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद इंटर यू पी आई पिन, इंटर यू पी आई पिन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अपना 6 डिजिट का पिन सेट करना होगा ट्रांजेक्शन पिन। तो हमने पिन सेट कर दिया, ठीक है, कन्फर्मेशन यूपीआई पिन यहाँ हो रहा है। और यहाँ पर देखिए अकाउंट एडेड, हमारा अकाउंट ऐड हो गया, इसके अंदर अपना अकाउंट ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट पेमेंट, अब यहाँ पर क्लिक करके
और यहाँ पर बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करके हम किसी के अकाउंट में पैसा भेज देंगे इस ऑप्शन से। यहाँ मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट सब कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ बैंक ट्रांसफर पर क्लिक किया और यहाँ पर जिस पर्सन को भेजेंगे वहाँ पर सारे डिटेल डाल देंगे, अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर, IFC कोड, रिसिप्ट नाम। अब जिस पर्सन को आप पैसा भेजेंगे उसका नाम लिख देंगे रिसिप्ट नाम में। यहाँ पर हमने सारा कुछ अपना डाल दिया हूँ, अकाउंट नंबर, IFC कोड और रिसिप्ट नाम। जिस अकाउंट में आप पैसा भेजेंगे रिसिप्ट नाम में वो नाम डाल देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितना रुपये भेजना है वो डाल देंगे। इस तरह से 10 रुपये डाल देंगे और उस पर्सन का नाम डाल देंगे जिस अकाउंट में हम पैसा भेज रहे हैं उनका नाम डाल देंगे यहाँ पर। और नाम डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद ये पेमेंट प्रोसेसिंग में है। अब ये थोड़ा देर टाइम लगेगा, 10-20-30 सेकेंड। इसके बाद ये देखिए ओके हो गया, ओके हो गया, मैसेज भी आ गया। अब ये देखिए कैशबैक 51 रुपये, ये कैशबैक भी हमें मिल गया 51 रुपये। और इस तरह से आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा और रिवार्ड भी आ गया 51 रुपये। और यहाँ पर देखिए ये आ गया टोटल रिवार्ड 51 रुपये। यहाँ से टेल योर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को इस एप्लीकेशन का लिंक भेज सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनको 51 रुपये मिलेगा और आपको भी 51 रुपये मिलेगा फर्स्ट टाइम। और उस पर क्लिक करके इस तरह से आप अपने सोशल नेटवर्क पर उसका लिंक भेज सकते हैं। आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं, 51 रुपये आप कमा लेंगे इससे। इसके बाद बिल पेमेंट कर सकते हैं, है ना, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट सब यहाँ पे कर सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, DTH, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, गैस, वाटर सब यहाँ पे बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर स्क्रेच कार्ड, गिफ्ट, रिवार्ड सब मिल रहा है अभी के डेट में। बाद में एक साल के बाद अगर आप वीडियो देखें तो पता ना उस टाइम मिले कि नहीं मिले, लेकिन अभी मिल रहा है। देखिए ये अभी स्क्रेच कार्ड मिला हुआ है, अभी 2000 का पेमेंट एक अकाउंट में मैंने भेजा हूँ 2000। और यहाँ पर देखिए कुछ हमें रिवार्ड मिला है। अब यहाँ स्क्रेच किया, देखिए ये 17 रुपया हमें मिला, है ना, 17 रुपया यहाँ पर हमें मिला। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन के जरिए किसी के अकाउंट में पैसा भेजेंगे तो आपका आप कुछ स्क्रेच कार्ड जीतेंगे और किसी को शेयर करेंगे तो उसे किसी को शेयर करेंगे तो उसे भी आप रिवार्ड आपको मिलेगा, 51 का कैशबैक आपको मिलेगा। और यहाँ नीचे में सब चलता है, रिवार्ड ऑफर सब यहाँ पर आपको दिखते रहेगा, है ना। तो ये अभी 2000 में पेमेंट किया हूँ, तो देखिए यहाँ पर इस स्क्रेच कार्ड एक जीता हूँ मैं 17 रुपये का। इसी तरह से आप इस एप्लीकेशन से आप पैसा कहीं भी भेजेंगे तो इससे भी आपको कुछ अर्निंग होगा, कुछ इसके गिफ्ट मिलेगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग सीख गए होंगे कि इस वीडियो से कि आप गूगल पे अपने मोबाइल में कैसे सेटअप करना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इंटरनेट से पैसा कमाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड अपने इस चैनल पर डालते रहता हूँ, तो जिससे कि आप सीख पाएंगे और घर पर बैठे पैसा कमा पाएंगे, जहाँ पर मैं एक से एक न्यू ट्रिक आपको सिखाते रहता हूँ इस चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।